तो इस एप्पल ने अपने इवेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन आज हम उन प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं सबसे स्पेशल एप्पल विजन प्रो की। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े एक्साइटिंग फ्यूचर देखने को मिलने वाले हैं, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हो ट्रेवल टेक हिंदी। तो बस इसमें बात करें तो इसमें आपको जो है 12 सेंसर्स देखने को मिलने वाले हैं, 5 कैमरे आपको उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, 6 माइक्रोफोन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये जो है 26 मिलियन की पिक्सल डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर जो है M2 चिप और R1 चिप आपको देखने को मिलने वाली है, तो ये काफी ज्यादा तगड़ी बात होने वाली है। और जैसे कि जो बाकी VR होते हैं वो डब्बा टाइप का आपने लगा लिया, और आप जो है सिर्फ वर्चुअल चीज दे सकते हैं जो कि आपने फोन में या आपसे कनेक्ट करके लगाई हो, पर जो है आप बाहर का नहीं दे सकते। लेकिन इसके अंदर जो है आप अंदर का बाहर का दोनों का दे सकते हो, कि जो है आप उसके फ्रंट में जो आदमी बैठा होगा उससे आप जो आई कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हो उसे पहने हुए भी। जो बाकी VR आते हैं उसके साथ आपको जो है रिमोट वगैरह देखने को मिलने वाला है, जो कि वो उसी रिमोट से काम करते हैं, लेकिन इसमें जो है तो वह इसकी एक खास बात है कि इसमें कोई भी रिमोट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, आप इसे हाथों से कंट्रोल कर सकते हो कुछ साइफाई मूवी की तरह। आप किसी भी हॉल को आपके रूम को जो है एक वर्चुअल थिएटर में कन्वर्ट कर सकते हो, सारे वो ऐप यूज कर सकते हो जो आप मैकबुक में आपके आईपैड में आपके आईफोन में यूज करते हो, उसमें ब्राउजर वगैरह सब जो है अवेलेबल है। इसमें ऐप ओपन करने के लिए कोई भी रिमोट की जरूरत नहीं है, आप अपने आई से जो भी देखोगे जिस ऐप को भी देखोगे वो हाईलाइट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, तो काफी तगड़ी चीज है। इसमें वॉइस कमांड भी है, तो आप वॉइस कमांड से भी इसे चला सकते हो, और आप चाहो तो जो आपकी मैकबुक की जो डिस्प्ले है उसे इस कनेक्ट करके इसे बड़ा भी कर सकते हो, आपके हिसाब से जो है एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो है काफी और एडवांस फीचर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें गाइस जो है आप जो है फोटो वगैरह भी खींच सकते हो, और जो है ये 3D रिकॉर्डिंग करेगा, तो बाद में आप जब भी इसको जो है मेमोरी में सेव करने के बाद जो भी आपने फोटो खींचोगे जब आपसे बाद में देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ये जो मूवमेंट है जो आपसे लाइव देख रहा है ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये यार एक माइंड ब्लोइंग चीज है। आप खुद का अवतार भी बनवा सकते हो, ये आपके आईज को स्कैन करेगा और इसे एक अवतार बना के दे देगा। एप्पल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है डिज्नी के साथ रहा है और मिलकर बना रहा है 3D मूवीज AR के लिए, तो मतलब इसका जो एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी का वो भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, और इसमें जो है आप वीडियो कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो, 3D मूवीज देख सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इसके साथ जो है बैटरी अटैच है जो कि आपको 2 hours का जो बैटरी बैकअप देने वाली है एक सिंगल चार्ज। तो बस इसकी प्राइस की बात करें तो US मार्केट में इसकी कीमत है 3,299, तो जो इंडिया में आते आते जो इसकी प्राइस हो जाएगी वो होगी 3 lakh से 3,50,000 के बीच में। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में, अगर आप चाहते हो मेटा के और एप्पल के VR को कंपैरिजन तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।